किसी भी देश या प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने से पहले वहाँ पर अनुसंधान और विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। यदि अनुसंधान अच्छा होगा तो औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी और प्रोडक्ट भी कम दाम में उपलब्ध हो सकेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी सीरीज लाई जाए जिसमें हम उत्तर प्रदेश में मौजूद तमाम महत्वपूर्ण शोध संस्थानों के बारे में जान सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास सीरीज की यूपी के महत्वपूर्ण शोध संस्थान के पहले एपिसोड से। सबसे पहले नंबर पर है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1983 में गाजियाबाद में हुई थी, जो जैविक उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य जैविक उर्वरकों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन को बढ़ावा देना है, किसानों को जैविक उर्वरकों के उपयोग के बारे में जागरूक करना है। इसकी गतिविधियों के बारे में बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के जैविक उर्वरकों जैसे कि खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और जैव कीटनाशकों का अनुसंधान और विकास करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। गाजियाबाद कपड़ा अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इनका मुख्य उद्देश्य कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना है। ये नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को विकसित करता है जो कपड़ा उद्योग को लाभान्वित बनाता है। इसके अलावा ये यूजी और पीजी स्तर पर कपड़ा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में शिक्षा प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित केंद्रीय पल्प और पेपर अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में पल्प और कागज उद्योग के विकास और प्रगति को बढ़ावा देना है। ये पल्प, कागज और बोर्ड बनाने की तकनीकों के बारे में रिसर्च करता है। ये प्रदूषण में नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण और जैव आधारित सामग्री के विकास में काम करता है। ये भारत में पल्प और कागज उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसने कई तकनीकों को विकसित किया है जो उद्योग की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में सुधार करने में मदद करती है। चौथे नंबर पर है कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंतर्गत कई केंद्र आते हैं, जैसे कि सबसे पहला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ये संस्थान 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा गन्ने की खेती के मौलिक और अनुप्रयुक्त पहलुओं पर शोध करने के लिए लखनऊ में स्थापित की गई थी। 1 अप्रैल 1969 को अन्य केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ साथ इसे भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को सौंप दिया गया। ये संस्थान विभिन्न प्रकार के गन्ने की किस्मों को विकसित करता है, रोगों और कीटों के प्रबंधन के लिए तकनीकें विकसित करता है और किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित करता है। दूसरा है कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ। कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का एक मध्यस्थ है। इस संस्थान का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, बीज बोने, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई, कीट नियंत्रण और फसल कटाई के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसके अलावा ये किसानों को विभिन्न सरकारी कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। और पांचवा है केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI स्वतंत्रता के पश्चात देश में स्थापित सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं में से एक है। ये संस्थान भारतीय विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद के संरक्षण में काम करने वाली 39 प्रयोगशालाओं में से एक है। इसका उद्घाटन 17 फरवरी 1951 में किया गया था। ये संस्थान जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संगठन है, जहां सभी बुनियादी सुविधाओं और विशेषज्ञता की मदद से बाजार के लिए दवा विकसित की जाती है। तो बस आज इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे और नई अनुसंधानों से जुड़ी जानकारियों के साथ अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।